जी बिल्कुल नए और अलग तरीके से बनाकर तैयार करिए। ये सब्जी बच्चे हमारे तरोई की सब्जी नहीं खाते हैं, अगर हम उनको इस तरीके से सर्व करेंगे बना के खिलाएंगे तो वो हमसे बार बार इस तरीके की सब्जी बनाने की डिमांड करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है, चलते हैं किचन में। हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ फिर से एक नया वीडियो लेके आए तरोई की सब्जी। तरोई की सब्जी ऐसी होती है किसको हमारे बच्चे तो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते, जहाँ बच्चों को पता चलता है पूछते हैं खाने में क्या बनाया, बोलो अगर तरोई बनाई है तो उनका मुंह नाक बनने लगता है। दोस्तों आज हम तरोई आपके साथ सब्जी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन हम ये सब्जी बहुत डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। इसको अगर अभी एक बार बनाकर अपने घर में बच्चों को भी खिलाएंगे तो बच्चे आपसे बार बार इसी सब्जी को बनाने की डिमांड करेंगे। सबसे पहले हमारी ये आधा केजी तरोई है, इसको हम छील कर टुकड़ों में कट करके तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इसका उसको बनाना शुरू करेंगे। हमने तरोई को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हमने ये एक 4-5 चम्मच बेसन लिया और हमने ये कुछ मसाले लिए हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, हींग और गरम मसाला और हल्की सी कसूरी लाल मिर्च। हम इसके अंदर इसको डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा बन गया। अब हमने इसके अंदर आधा छोटा चम्मच तेल डाल दिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर। ये देखिए हमारी बेसन की स्लरी बनकर तैयार हो गई है, इसको खूब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम आगे की सब्जी आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए तरोई हमने धुलकर पानी निकालने के लिए छोड़ दिया था, बेसन हमने पहले से भिगा के रखा। अब हमने कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला है, घी डालेंगे, जीरा, कस्तूरी लाल मिर्च एक चुटकी डाल दिया है, तरोई हमने कच्ची करके रखी थी उसको अब हम इसके अंदर डाल देंगे, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स हम इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। ये तरोई की सब्जी हम बिल्कुल नए और अलग अंदाज में बनाकर तैयार करेंगे, ऐसे इसको आप एक बार जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन पर प्रेस और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। इस तरीके की एक जाली लेंगे के रखा था, उसकी छोटी छोटी पकौड़ी जैसी हम पूरी छन्नी में लगा देंगे। ये हम आपको फिर से दिखाते हैं, जो हमने जाली ली थी ना उसमें ऑयल लगा के इस तरीके से हम छोटी छोटी पकौड़ी पूरी छाली में सेट कर देंगे। दोस्तों एक बार इस तरीके की सब्जी को बनाकर आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बिना प्याज लहसुन के भी इतनी खाने में टेस्टी लगती है। आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपसे सबसे पहले तो यही पूछेगा कि आपने इस सब्जी को बनाया कैसे है। हमने बढ़िया इसके ऊपर बेसन की बनाकर लगाई थी। अब हम सब्जी को चलाते हैं, देखते हैं हमारी सब्जी कैसी हुई है। ये देखिए हमारी सब्जी ने खूब अच्छे से पानी छोड़ दिया है, हम इसको इस तरीके से कलछी से मैश कर देंगे। ये देखिए ये बिना पानी की हमारी तरोई की सब्जी है। अब हमने जो ये पकौड़ी बनाई है बेसन की, इसको हम धीरे धीरे इसके अंदर सबको सारी डाल देंगे। हमने जो पकौड़ी है स्टीम करके तैयार करी थी वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स एक बार आप इस तरीके से तरोई की सब्जी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। फिर से हम इसको स्टीम लगा के लीड लगाकर ढककर पकने देंगे। ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। दोस्तों आप इसको एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, अभी तक आपने इस तरीके से तरोई की सब्जी नहीं बनाई होगी, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं और आपको हमारी बनाई हुई ये नई तरीके की तरोई की सब्जी कैसी लगी। अब हम इसके अंदर कुछ बूंदे नींबू की ऐड कर देंगे, आप चाहें तो इसकी जगह खटाई भी डाल सकते हैं।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी हम आपको इसको प्लेट में ट्रांसफर, बाउल में ट्रांसफर करके भी दिखाते हैं। तो बाउल में ट्रांसफर कर लिया था। हमारी सब्जी देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, बिल्कुल नई तरीके की बनी हुई तरोई की सब्जी। तो इसको एक बार बनाने का तो बनता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।